शाहजहांपुर जनपद में नकली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज जिलाधिकारी इंद्रजीत विक्रम सिंह व पुलिस अधीक्षक एस आनंद, आबकारी विभाग के अधिकारी प्रदीप दुबे के साथ संयुक्त रूप से अचानक कई शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई। अचानक से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आबकारी विभाग के अधिकारी प्रदीप दुबे ने साथ में ही शराब की बोतलों के सैंपल भी लिए, साथ ही साथ शराब कारोबारियों को सख्त से सख्त हिदायत दी, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद के लगभग सभी जितनी भी दुकानें हैं उनमें औचक छापामारी की गई है, जिसमें से दो स्थानों पर मैंने और एसपी साहब ने भी औचक छापामारी की है। ये देखने के लिए कि शराब का जो व्यवसाय है वो लीगल तरीके से लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब मिश्रित शराब या ख़राब क्वालिटी की शराब तो लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इधर विगत दिनों में प्रदेश में कुछ घटनाएँ ऐसी समझदार आई है जिसमें लोग जहरीली शराब पीने के कारण स्वास्थ्य को नुकसान हुआ है, तो ऐसी कोई घटना घटित न हो इस बात को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई की गई है। दो दुकानों की चेकिंग हम लोगों के द्वारा की गई है, अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं सामने आई है, लेकिन इनके नमूने भी लिए जा रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि लैब से टेस्ट कराया जा सके कि इसमें जो मदिरा है या शराब है वो उसकी क्वालिटी ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस तो नहीं। किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, कितने अभी तक जो है कार्रवाई करके छापेमारी की गई है? देखिए, ये तो निरंतर चलने वाली कार्रवाई है और निरंतर हम लोगों के द्वारा सतर्कता बरती जाती है, और इसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि लगभग एक माह पहले अवैध शराब की एक बड़ी फैक्ट्री हम लोगों ने पकड़ी थी, जिसमें मौके से 4-5 अपराधियों को भी पकड़ा गया था और उनको बकायदा हम लोगों ने जेल भेजा है, उनकी जमानत भी नहीं हुई है, और बहुत सारा माल उसमें बरामद किया गया था। तो इसी प्रकार से कटरी क्षेत्र में यमुना के किनारे अवैध निष्कर्षण की जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उनमें भी बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है, अवैध परिवहन के मामले भी पकड़े गए हैं। तो अभी सौभाग्यवश जनपद शाहजहाँपुर में अवैध शराब के पीने से या गलत शराब के पीने से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, और हमारी कोशिश यही है कि प्रवर्तन कार्य जितना तेज होगा, जितना इफेक्टिव होगा, सूचना तंत्र जितना मजबूत होगा, उतना ही इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। फिर भी हम जनता से अपील करते हैं कि वो केवल जेन्युइन दुकानों से और सही रेट पर सरकारी दुकानों से ही, और जो सही रेट पर है, जो सरकारी दर है, उस पर ही वो अगर उनको सेवन करना है तो ये शराब खरीदें, और गांव में या अनधिकृत रूप से बेचने वाले व्यक्ति से ना खरीदें, क्योंकि अगर शराब निर्धारित मूल्य से कम रेट पर दे रहा है तो निश्चित रूप से उसने उसको अपमिश्रित किया होगा और वो आपके जीवन के लिए भय उत्पन्न कर सकता है। R9 भारत के लिए मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।